देश भर में ब्लैक कार्बन और रेडिएशन के एनिमेशन को लेकर अब मौसम विभाग से जुड़ी प्रयोगशालाओं में खास यंत्र लगाए जाएंगे। देश भर में हरियाणा इस योजना को युद्ध स्तर पर अपने प्रदेश में लागू करेगा। अब मौसम विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिक महज अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात नहीं करेंगे। अब मौसम वैज्ञानिकों का सरोकार सिर्फ बारिश के आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि वातावरण में कार्बन एमिशन कितना है और रेडिएशन से प्रदूषण का स्तर क्या है। मौसम वैज्ञानिक इस पर भी 24 घंटे अपनी नजर बनाए रखेंगे। इसके लिए देश भर की मौसम प्रयोगशालाओं में ऐसे यंत्र स्थापित करने की तैयारी है जो प्रदूषण के स्तर की बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। 60 लोकेशंस में ये ब्लैक कार्बन मेजरमेंट इक्विपमेंट लगेगा। 30 जो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगाएगा। 30 जो है स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी बोल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में है, वो हम दोनों इंस्टीट्यूशन मिल के 60 मेजरिंग सेंसर लगाएंगे। एरोसॉल का भी होगा, ब्लैक कार्बन का भी होगा, एंड देन टोटल क्लाउड रेडिएशन एरोसॉल इंटरैक्शन का स्टडीज होंगे। हरियाणा में इस योजना को युद्ध स्तर तक और आगे लेकर जाने की तैयारी हो रही है, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों में ऐसी लैब तैयार होंगी जो प्रदूषण के स्तर को लेकर सटीक आंकड़े उपलब्ध करवाएंगी। तो हम IMD के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हर जिले और हर ब्लॉक को हम लोग कवर करें। इसमें IMD ने हमारे कुछ KVKs को पहले से ही लिया है और एक हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं कि बाकी जो जिले हमारे नहीं ले पाए उनमें हम अपने रिसोर्सेज से सभी जिलों के साथ मिलकर, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे हमारा ग्राउंड वाटर का इरिगेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा ये हरसेक वाला सिस्टम हो, सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करके एक अच्छा ऐसा सिस्टम बनाएं कि ताकि हम डिफेंड कर सकें कि वास्तव में हरियाणा की जो पॉल्यूशन NCR की बात करते हैं उसमें हरियाणा का हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है साइंटिफिकली। चलिए, कार्बन और रेडिएशन एमिशन को लेकर सरकार की ये सजगता इस बात की उम्मीद जरूर पैदा करेगी कि हम आने वाले दिनों में शुद्ध हवा में सांस लेने की अपनी कोशिशों को और बढ़ावा देंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।